के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के तीन नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और मुख्तार अब्बास नकवी मैदान में उतरे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि राहुल गांधी को जिन मुद्दों पे अपनी बात रखनी चाहिए उस पर उन्होंने अपनी बात नहीं रखी है। मोदी सरनेम को गाली देने के मुद्दे पे उनको सूरत की कोर्ट से 2 साल की सजा हुई है और उसमें लीगलिटी की वजह से, कानून की वजह से उनकी सदस्यता गई है, जबकि वो इसके पीछे छुपने की बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लगातार। चूंकि राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया था कि उनके अगले भाषण से प्रधानमंत्री और बीजेपी डरी हुई थी, क्योंकि वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदानी का मुद्दा उठा रहे थे और बीजेपी का के अदानी के संबंधों का मुद्दा उठा रहे थे। और दूसरी बात बीजेपी जो कह रही है वो ये कि देश भर में राहुल गांधी के मोदी सरनेम के नाम पे जो उन्होंने गाली दी थी उसको लेकर वो इसे देश भर में मुद्दा बनाएगी और देश भर में इसके लिए आंदोलन चलाकर कांग्रेस और राहुल गांधी को बेनकाब करेगी। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार।